यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और सिंपल सा नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी कुर्ती ली है जिस पे मैं नेक बनाऊंगी, और नेक बनाने के लिए मैंने ये कैनवास पेपर लिया है। और इस नेक में हम कुछ गोटे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने गोटा लिया है। अब हम गोटे को एक साइड में रख देंगे और पहले हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस पेपर को ऐसे 20 सेंटर में से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अब हम इस पे नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं नेक की चौड़ाई 4 इंच रखूँगी। अगर आप हेल्दी हैं तो आप इसकी चौड़ाई 4.5 इंच रख सकते हैं, क्योंकि ये हम बोट नेक शेप में नेक बनाएंगे तो इसकी चौड़ाई हम ज़्यादा रखेंगे और इसकी जो गहराई है वो हम कम रखेंगे। यानी कि गहराई हम इसकी 4 इंच रखेंगे और चौड़ाई भी हम इसकी 4 इंची रखेंगे। अगर आप हेल्दी हैं तो आप इसकी गहराई और चौड़ाई को 1/2 इंच और भी बढ़ा सकते हैं। और ऐसे हम इसमें गुलाई में निशान लगाने के बाद हम 1 इंच की दूरी पे एक निशान और लगाएंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग करनी है, एकदम बराबर में। और ये मैंने अपने नेक की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको अपने कुर्ती वाले कपड़े के ऊपर प्रेस से चिपका लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने कुर्ती वाले कपड़े के ऊपर नेक को चिपका लिया है और साइड से मैंने कपड़ा मोड़ के इस पे मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको अपने नेक अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच करूँगी। तो ये मैंने अपनी कुर्ती का फ्रंट भाग लिया है और ये इसकी उल्टी साइड है, नीचे की तरफ इसकी सीधी साइड है। उल्टी साइड को मैं नेक को रखूँगी ऐसे 20 सेंटर से मिलाते हुए, और हम यहाँ पे बिल्कुल पेपर के बराबर में इस पे सिलाई लगाएंगे। पहले हम एक 20 सेंटर में सिलाई लगा लेंगे नेक को जमाने के लिए। और इसके बाद हम यहाँ पे बिल्कुल पेपर के बराबर में सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे आपको आराम से सिलाई लगानी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। और यहाँ पे ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग कर लेंगे और इसकी गुलाई में हम छोटे छोटे ऐसे कट लगाएंगे। और ध्यान रखना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम अपने नेक को सीधी साइड में पलट लेंगे। और ये मैंने नेक सीधी साइड में पलट लिया है और आप इसको प्रेस से अच्छे से जमा लें। और ऐसे जमाने के बाद में अब हम गोटे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये मैंने गोटा लिया है और इस गोटे को हम इस नेक के नीचे रखते हुए बिल्कुल हम इसको हल्का हल्का सा दबाएंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिस कलर का गोटा है इस कलर का हमारी कुर्ती की नीचे बॉर्डर पे डिजाइन है, तो ये बहुत ही अच्छा मैचिंग से हमारा नेक तैयार होगा। पहले हम यहाँ पे अटैच करेंगे, इसके बाद में मैं आपको एक गोटा इसमें और अटैच करके दिखाऊंगी। ये मैंने यहाँ पे गोटा अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, इंच टेप की मदद से हम इसमें एक गोटा और अटैच करेंगे। वैसे इस तरह का नेक भी बहुत ही सुंदर लगता है, आप इसको ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे एक गोटा और इस्तेमाल करूँगी। ऐसे हम 13 इंच की निचाई तक ऐसे निशान लगाएंगे दोनों साइड में। और यहाँ पे भी हम गोटे का इस्तेमाल करेंगे। हम एक गोटा और लेंगे और यहाँ पे ऐसे रखते हुए और इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे और इस साइड में भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक प्रिंटेड कुर्ती का हमने गोटे की मदद से एक बहुत ही सुंदर नेक तैयार कर लिया है। यह आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और नीचे जो इसकी बॉर्डर पे इस तरह का कलर है उसके हिसाब से और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है।
और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। फ्रेंड्स, आपका लाइक करने से हमें थोड़ा पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं। आपका लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है और हमें भी कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन हमें अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं और हमें अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, और हमारा मन उत्सुक होता है कि आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, उससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।